हेलो एवरीवन गाइस, BHU का एडमिट कार्ड आ चुका है एंड यू गाइस मस्ट बी प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर BHU नाउ. सो लेट मी डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू BHU MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू यू एग्जामिनेशन ओनली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेपर पैटर्न आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि 120 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे, 40 आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रहेंगे. मार्किंग 4:1 रहेगी, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर मिलेंगे. गलत करेंगे कोई क्वेश्चन तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा. ओके, BHU के बारे में एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो ये कि BHU इज़ मोर अबाउट स्पीड. लोग 100 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाते हैं BHU में, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर ले जाते हैं. तो अगर आपका 80 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट रहेगा, अगर पेपर वैसा ही आता है जैसे पहले आता रहा है, क्योंकि BHU का पेपर अभी तक, मतलब पिछले कुछ सालों से ईजी टू मॉडरेट ही आ रहा है. ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस ईजी ही रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहते हैं. अगर वैसा ही पेपर आता है तो आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है. अगर इतना भी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक वेट करना पड़ता है. ठीक है, सो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. ठीक है, ऐसा नहीं होता है BHU में कि मैथमेटिक्स का वेटेज कम है, रीजनिंग का वेटेज कम है, हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है. इसलिए आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो जल्दी से आगे बढ़ जाइए, बाद में पीछे आने का ऑप्शन रहता है आपके पास. ठीक है, तो आप एक बार 120 क्वेश्चन पूरे स्कैन कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर आपने, आपको लग रहा है अभी गलत आंसर आ रहा है या आप श्योर नहीं है, तो बाद में आप उसे रिविजिट कर सकते हैं एक बार आप सारे क्वेश्चन देखने के बाद. ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में ही किसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का सेम वेटेज है. तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लास्ट तक, मतलब करते चलिए क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि 10-20 क्वेश्चन आपके ऐसे रह जाएं जो आप देख ही ना पाए लास्ट तक. ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं BHU में. ओके, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, BHU में जो क्वेश्चन हैं शफल रहेंगे, मतलब बीच बीच में रीजनिंग का आ जाएगा, फिर मैथमेटिक्स के, फिर रीजनिंग या एप्टीट्यूड का आ जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि मैथमेटिक्स पहले फिर बाद में रीजनिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, तो इसे जंबल्ड रहेगा तो उसको भी ध्यान में लेके रखना है. कभी कभी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है और कोई अगर टफ क्वेश्चन है तो हम लोग बहुत टाइम दे देते हैं और भूल जाते हैं करते करते कि 5 मिनट हो गए. 5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है BHU के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग गया है और आंसर नहीं आया, तो और अगर लग रहा है कि अभी और टाइम लिए गए क्वेश्चन, तो उस पर और टाइम मत दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा. ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 120 क्वेश्चंस आप देख पाएँ और ट्राई कर पाएँ. ओके, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप पहले बैठ के क्वेश्चन ही देख रहे हैं फिर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है. क्वेश्चन देखते जाओ करते जाओ, देखते जाओ करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको यू नो मार्क फॉर लेटर या ऐसे करके कोई ऑप्शन रहता है वो करके आगे बढ़ जाओ. बाद में टाइम मिले तो रिविजिट कर लेना उस क्वेश्चन को जो आपको लगे कि हाँ मैं बाद में कर सकता हूँ. ओके, सो दिस शुड बी दी स्ट्रैटेजी फॉर BHU MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके, नाउ कम टू दी गाइडलाइंस फॉर BHU MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. कुछ गाइडलाइंस जो हैं लाइक बेसिक्स ही हैं, वो हर एग्ज़ाम के लिए इस बार सेम ही थी, चाहे GNU या NIMCET हो या फिर BHU हो, कि आपको सेंटर पे टाइम पर ही पहुंचना है, पहले से नहीं पहुंचना है. आपकी जो यू नो सीट्स होंगी, आप उन्हें एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले, लाइक जो आपका ड्यूरेशन एग्ज़ाम का, आपको एंड तक बैठे रहना है. जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तभी आपको उठने का मौका मिलेगा, बीच में आप उठ के नहीं जा सकते. ठीक है, कोई अननेसेसरी स्टफ आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए फर्जी की स्टेशनरी लेके मत जाइएगा. एग्जामिनेशन सेंटर में सिर्फ एक वॉल पेन अलाउड होगा, रफ शीट्स आपको वहीं पे दी जाएंगी. ठीक है, तो खुद से लेके नहीं जाना है. डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, ये सब नहीं अलाउड होगा. CBT एग्जामिनेशन है तो वॉच ले जाने का कोई मतलब भी नहीं है, आप सिस्टम पे आपको टाइमिंग दिख रही होगी. ओके, कैलकुलेटर का भी कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि इतने कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस आते नहीं हैं. ओके, और आपको अपना मास्क आपको लेके जाना है. आप अपना सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, बट योर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट. ओके, वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ओके, आपको जो ड्रेसेस पहननी है उसमें बहुत ब्रॉड बटन्स ना हो, आपके शूज़ वगैरह बहुत हील्स वाले आपको नहीं पहन के जाने हैं. ओके, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. कोई रिलीजियस आप चीज़ कैरी करते हैं, लाइक पेंडेंट पहनते हैं कुछ लोग, बैंगल्स पहनते हैं, कुछ जैसे आप पहनते हैं जो आप मतलब आप हमेशा पहनते हो और आप उसे नहीं उतार सकते, तो एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा पहले पहुंचिएगा ताकि अगर इन सब चीज़ को लेके कोई कॉन्वर्सेशन हो वहाँ पे जो चेकिंग कर रहे हैं लोग उनसे, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको अपनी बात एक्सप्लेन करने का टाइम मिले. ठीक है,
तो इसलिए लास्ट मोमेंट रश अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा। थोड़ा सा पहले का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे पहले पहुंच गए, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट। ओके, नाउ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या मैंडेटरी है लेके जाना, मतलब उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दैट वुड बी योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 3 पेज का है, तीनों पेज आपको डाउनलोड करने हैं और लेके जाने हैं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा फॉर दैट COVID-19, तो इसलिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। आपको एक ID प्रूफ लेके जाना होगा अपने साथ, इट कैन बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। ओके, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी होगी जो कि अटेंडेंस शीट में लगाई जाएगी। एक आपको बॉल पेन ले जाना होगा वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है। तो ये सब आपको लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड और जो रफ शीट्स आपको वहाँ पे मिलेंगी वो आपको बाहर लेके नहीं आनी है एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, आपको सेंटर पे ही बताया जाएगा, या तो वहाँ पे डिपॉजिट कर लिए जाएंगे आपसे, या फिर कोई बॉक्स होगा जिसमें वो ड्रॉप करना होगा, वो जैसा भी होगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जैसा कि बताया जाए उसी हालत में छोड़ के आना है, अपने साथ लेके नहीं आना है वापस, ठीक है। अगर आप लेके आ जाते हैं आपका एडमिट कार्ड या फिर अपनी रफ शीट्स, तो आपको हो सकता है डिबार कर दिया जाए एडमिशन प्रोसीजर से, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो आप रफ शीट्स यूज़ करेंगे उसमें अपना रोल नंबर और नेम आपको मेंशन करना रहेगा, और भी कोई डिटेल मेंशन करनी रहेगी तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस में वहाँ बताई जाएगी। इट्स एडवाइज्ड कि आप जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको प्रोवाइड किया गया आपके एडमिट कार्ड के साथ, उसे अच्छे से पढ़ें एक बार जाने के पहले। ओके, तो अब आपको मैंडेटरी आइटम मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कुछ बता दी, अब मैं लास्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या अलाउ किया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या आइटम्स आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। तो आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, छोटा वाला बॉटल जो 50 ml का आता है, वो बड़ा बॉटल नहीं लेके जाना है। एक ट्रांसपेरेंट जो है बॉल पेन लेके जा सकते हैं, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और आपका जो एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास PWD का जो सर्टिफिकेट होता है साइन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, प्लस एक अंडरटेकिंग होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, और बाकी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो सब भी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट BHUMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जामिनेशन, परफॉर्म वेल एंड रॉक द एग्जामिनेशन। थैंक यू।